सलमान खान की जहां हाल ही में सर्जरी हुई है जिसकी अपडेट हम आप लोगों को पहले ही दे चुके हैं। और अब सलमान खान के गहरे दोस्त शाहरुख खान ने सलमान खान के साथ हॉस्पिटल में मुलाकात की है और वहीं पर सलमान खान ने शाहरुख खान को एक मैसेज दिया है जो कि सलमान खान का दिया गया मैसेज शाहरुख खान ने फैन के साथ शेयर किया है। आगे चलकर हम आप लोगों को इनकी वो मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे। बात की जाए शाहरुख खान और सलमान खान के बारे में तो कई दहाइयों तक इन दोनों ने बॉलीवुड पर राज किया। अदाकार पहली बार 1995 की ब्लॉकबस्टर करण अर्जुन में स्क्रीन पर एक साथ नजर आए और गहरे दोस्त बन गए। लेकिन किसी भी दूसरे रिश्ते की तरह सितारे भी अतराव चुराव के अपने हिस्से से गुजरे। दरहकीकत शाहरुख खान का खानदान मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। मुंबई क्रॉस ड्रग्स केस के सिलसिले में इनके बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद सलमान वो बहुत मशहूर शख्सियत हैं जो अक्सर शाहरुख खान के घर जाते थे और अपने दोस्त के साथ हमेशा खड़े होते हुए नजर आते थे। दरअसल करण अर्जुन की कामयाबी के बाद फैन ने सलमान खान और शाहरुख खान को हकीकी जिंदगी के करण अर्जुन कहा। इन्हें इंटरव्यूज में एक दूसरे को हाइप करते हुए देखा गया और एक दूसरे की फिल्मों में कैमिज़ करते हुए भी देखा गया, जैसा कि SRK की कुछ कुछ होता है और सलमान की फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा। लेकिन सलमान की साबिक गर्लफ्रेंड कतरीना कैफ की सालगिरह की तकरीब में लड़ाई ने सलमान और शाहरुख खान के दरमियान सर्द जंग शुरू कर दी। पार्टी में मौजूद आमिर ने सालसी की कोशिश की लेकिन हालात बेहतर ना हो सके। कई सालों से बात करने की शरायत पर ना रहने के बाद SRK और सलमान ने मुंबई में बाबा सिद्दीकी सालाना इफ्तार पार्टी में गपशप की। सलमान और शाहरुख खान ने एक दूसरे को खुश आमदीद कहा, हाथ मिलाया और एक दूसरे से गले मिले। ये वो लम्हा था जिसे कोई SRK या सलमान के पुरस्कार कभी नहीं भूल सकेंगे। और तब से सलमान खान और शाहरुख खान गहरे दोस्त बन गए हैं और अब जब सलमान खान बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, उनकी हालत संभलने का नाम नहीं ले रही, तो उनके गहरे दोस्त शाहरुख खान सलमान खान से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गए और उनको कहा कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और उनके दुख दर्द को उन्होंने शेयर किया। तो वहीं सलमान खान ने भी शाहरुख खान को कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वो उनकी फैमिली का ख्याल रखे, खासकर उनके माता पिता का। लेकिन शाहरुख खान का कहना है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्द अल्लाह की रहम से, फैन की दवाओं से और डॉक्टर की मेहनत से ठीक हो जाएंगे। तो वेल, आपने ये वीडियो देखी, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।